Hi, this is Gurdeep Kaur and these are my Balle Bolly shots. मेरा क्योंकि कॉलेज टाइम तो मैं यूथ फेस्टिवल करती रही हाँ, गिद्धा करती रही हाँ, लुड्डी करती रही हाँ, सो मैं कितने ना कितने खुद में लगता सीगा कि नहीं मैं एक प्लेटफॉर्म चाहिए आ जिहदे जरिए मैं जो मैं चाहती हाँ अपने लाइफ से भी अपना मैं हुनर दिखा सकाँ। सो मेरा सर्चिंग चलता रहिंदा हुंदा सीगा इंस्टाग्राम ते फेसबुक ते कि मैं लब्भा कोई ना कोई पेजेंट चलता होवे। सो इदां ही मैं ये दौरान ही इंस्टाग्राम उत्ते मैं एक बारी स्पोंसर शो हुई सीगी मिस पंजाब दी, ते मैं उत्थों ही फिर अपने ऑडिशन्स भरे, फिर मैं सैमीफाइनल्स भी क्लीयर किए, फिर ग्रैंड फिनाले दे विच मैं गई, फिर मैं फाइनलिस्ट बनी मिस पंजाब च। सो यही मेरी जर्नी रही है। अमन गरेवाल मैम सानू जिहड़े कि सी मैंटोर सी साडे, सानू ग्रूमिंग सैशन करवा रहे सी, वो सब तो बेस्ट पार्ट सीगा। ते सब तो वधिया गल इह सी वी जिन्ने भी पार्टिसिपेंट सी सारे बहुत ही कोऑपरेटिव सीगे, किसी च कोई जैलसी की भावना नहीं सीगी। मतलब ये चीज़ मैं परसनली बहुत वधिया लगी, तो मैं लगता कि उत्थों काफ़ी जाणा नाल मैं जुड़ के आई हाँ। तो यही चीज़ होनी चाहिए है कि तुसीं जो कितें जावो तो उत्थों प्यार लैके आओ, तो प्यार दे के जाओ। मेरी सब तो वड्डी इंस्पिरेशन मेरे मम्मी डैडी ते मेरियां भैणां ने, क्योंकि अगर जे मैं कहां कि मेरे विच एक पंजाबी सभ्याचार नूं लैके जां मेरी एक पंजाबी लुक नूं लैके जे मेरे विच ओह चीज़ां ने, तां ओह कुछ कुछ हिस्सा मेरी मम्मी तों आ, मेरियां भैणां तों आ, ते जे मैं अपनी गल करां फैशन स्टाइल्स दी तां ओह मेरे वड्डे सिस्टर तों ने। सो मेरियां इह चीज़ां जिहड़ियां इंस्पिरेशनल मैनूं मेरे घर विच्चों ही मिलियां ने। मॉडलिंग तो इलावा मैनू क्योंकि मैं पंजाबी कल्चर नाल जुड़ी हुई हाँ डे वन तो, क्योंकि मैं कॉलेज विच भी काफ़ी यूथ फेस्टिवल करती रही हाँ, गिद्धा करती रही हाँ, लुड्डी करती रही हाँ। सो मेरा सब तो पहला इंट्रस्ट ही कह लो कि सभ्याचारक एक लोक नाच वाल रहा है। सो मॉडलिंग तो इलावा मेरा उधर भी बहुत ज़्यादा रुझान हैगा है। मेरा डेली रूटीन मोस्टली मैं कोशिश करती हाँ कि मैं ज़्यादा तो ज़्यादा पानी पीवा, तो उहदे नाल कि स्किन ग्लो करती है। सो मेरे ख्याल नाल सारिआं नूं पानी ज़्यादा पीना चाहिए। सो सैकेंड डे आ कि मैं हैल्दी खाने की कोशिश करती हाँ, एंड मैं जिम भी बहुत शौकीन हाँ, सो मैं जिम भी जाती हाँ। तो रात का मेरा रूटीन हुंदा है कि अपना फेस का मैं ज़्यादा ख्याल रखती हाँ, क्योंकि मैनू शूट्स करने पैंदे आ। सो उहदे करके मैं अपना नाइट रूटीन भी फॉलो करती हाँ कि मैं अपना फेस क्लीन रख सकाँ। सो मॉइस्चराइज़र मैं अप्लाई करती हाँ अपनी स्किन पर, क्योंकि डेली रात नूं इह हुंदा मोस्टली भी तुसीं कोई भी चीज़ फेस पर अप्लाई करते हो नाइट नूं ज़्यादा रिजल्ट मिलता। सो यही रूटीन्स ने मेरे डेली। ओके मैं अपने स्टाइल नूं पंजाबी स्टाइल ही कहांगी ज़्यादा, क्योंकि जे मैनूं प्यार मिलिया आ तां मेरी पंजाबी लुक करके मैनूं ज़्यादा प्यार मिलिया। अगर मेरी इंस्टा ते अगर मैनूं फॉलो भी करदे ने तां मेरी पंजाबी अटायर नूं ज़्यादा प्यार मिलिया आ। सो मैं अपने स्टाइल नूं पंजाबी लुक नूं ज़्यादा प्रैफर करदी हाँ। हांजी सोशल कॉज मैं यही करना चाहूँगी कि वूमेन एम्पावरमेंट ते मैं सपोर्ट करती हूँ ज़्यादा वूमेन्स ले। सो मेरा मोस्टली यही रहूगा कि मैं कुड़ियों ले जिहड़ी कुड़ियाँ पढ़ाई नहीं कर पाउंदियां जां जिन्हां दे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर पाते, सो मेरी कोशिश रहूगी कि मैं उन्होंने वध तो वध हैल्प कर सकाँ। अगर मैं उस लैवल तक कितने अपनी लाइफ अचीव कर लैनी हाँ कुछ, तो मैं ज़रूर इस चीज़ में हिस्सा पाना चाहूँगी कि मैं बच्चों की पढ़ाई स्पैशली कुड़ियों लिए मैं सपोर्ट करना चाहूँगी इस चीज़ लिए, कि जिहड़े बच्चे कई कुड़ियां जिहड़ियां पिंडां च आ वो कई वेले शहरां च नहीं पहुँच पाते, वधिया जगह पर नहीं पढ़ाई कर पाते, तो असीं उन्हां नूं उत्थे ही अवेलेबल कर दी इहो जी प्लेटफॉर्म कि उत्थे पढ़ाई कर सकन, सारियां एक्टिविटीज़ उन्हां नूं मिल सकन। सो जे मैं अगर इस लैवल तक पहुँचदी हाँ अपनी जिंदगी च कदी, तो मैं यह चीज़ ज़रूर करना चाहूँगी। मेरा फेवरेट प्लेस हिल स्टेशन आ, क्योंकि मैं उत्थे जाके बहुत पीस मिलता है। सो एंड थोड़ा अपना मी टाइम जिन्होंने कहें ना स्पेंड करना, वो हिल स्टेशन पर जाके हो सकता मेरे अकॉर्डिंग, तो मैं बहुत वधिया लगता हिल स्टेशन पर जाना। मेरी फेवरेट मूवी भाग मिल्खा भाग आ, क्योंकि फ्लाइंग सिख जिहड़ा विच किरदार निभाया वो मैनू बहुत इंस्पायर करता है, क्योंकि उन्हां दी जिहड़ी परसनैलिटी आ वो यही दसदी आ वी लाइफ च जिहड़ा संघर्ष आ ना वो चलदा रहिंदा पर हिम्मत नहीं कदी हारनी।
ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖ ਮਿਲੀ ਆ ਉਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੇਵਰੇਟ ਮੂਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੁੱਕਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹੀਲਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੀਲਸ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਵੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਪਸੰਦ ਆ, ਮੋਜੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੱਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਲਾਈਕ ਬੋਥ। ਮੇਰਾ ਫੇਵਰੇਟ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਇਨਰ ਸੱਭਿਆਸਾਚੀ ਆ। ਸੱਭਿਆਸਾਚੀ ਦੇ ਆਊਟਫਿਟਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਰੋ ਬਿਊਟੀ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਆਫਕੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਊਟਫਿਟਸ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਇੰਸਪਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਊਟਫਿਟਸ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੂਟਸ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਲਾਈਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੱਭਿਆਸਾਚੀ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ 3 ਵਰਡਸ 'ਚ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇਟਸ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ, ਸੋਬਰ ਐਂਡ ਪਿਓਰਿਟੀ। ਸੋ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫੋਨ ਆ ਜੀ, ਫੋਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ। ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਚ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਚ ਲਗਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਵਾਚ ਲਗਾਉਣਾ। ਐਂਡ 3rd ਇਜ਼ ਸਨਗਲਾਸਿਸ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ ਸਨਗਲਾਸਿਸ, ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਵੇਅਰ ਕਰਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਮੇਰੇ ਫਿਊਚਰ ਪਲੈਨਸ ਇਹੀ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਡਲਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪੇਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਸੂਟਸ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੂਟਸ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ 3rd ਇਜ਼ ਮੇਕਅਪ, ਮੈਂ ਮੇਕਅਪ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸੂਟਸ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਸ 'ਤੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮੇਕਅਪ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੀਪ ਮੋਆ ਗਲੈਮ ਬੌਸ 'ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਬੱਲੇ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ।